दिवाली हो, दिवाली के मौके पर पूरा पटना जो है वे रंगीन रोशनी से सजा हुआ है। तमाम घरों पर जो रंग रोशनियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों की बात करें तो जब से चाइनीज़ लाइटों का बहिष्कार किया गया है उसके बाद से ये रोशनियाँ थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन अभी भी लोग दिवाली में अपने घरों को, अपने दफ्तरों को या फिर जो ऊँची इमारतें हैं उनको सजाते हैं। क्योंकि अगर बात करें दिवाली की, तो दिवाली रंगों का, रोशनी का त्यौहार है। और जाहिर तौर पर जब रोशनी की बात होती तो दिए और फिर इस तरह की जो रोशनी वाले जो बल्बे हैं उनका खूब इस्तेमाल होता है। पटना के हर इलाके में लगभग जो है वो जो ऐसे रंग बिरंगी रोशनी है वो जल रही है। दिवाली का मौका है, जाहिर तौर पर तमाम जो लोग हैं उन उस रोशनी से इस पूरे उत्सव को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप जब निकलें तो अमूमन हर जो सड़क है या फिर हर इमारत जो है वो कहीं ना कहीं या तो दिए की रोशनी में या फिर इस तरह के जो जो बिजली के बल्ब हैं उनसे जगमग है। दिवाली के मौके पर कोशिश यही होती है कि इन दियों के माध्यम से, इन रोशनी के माध्यम से जीवन में भी रोशनी आए। शायद यही वजह है कि आसमान में पटाखे और इमारतों पर इस तरह की रंग बिरंगी रोशनी जो है वो दिवाली को खास बनाती है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ इंडिया, पटना। अभी हम पहुंच चुके हैं पटना के ठाकुरबाड़ी रोड, और खास करके अगर हम बात करें दिवाली जैसे पर्व की, इसमें पूजा पाठ के सामानों की बिक्री काफी होती है। नजारा आपके सामने है, आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर कोई खरीदारी कर रहा है दिवाली की। हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं। मैम, आज आप यहाँ पहुंची है दिवाली की कुछ आइटम की खरीदारी करने, क्या कुछ कहेंगे? क्या दिवाली के पर्व पर बहुत सारा खरीदारी होता है और खरीदे भी के आइटम्स भी यहाँ मिल रहे हैं। किस तरह के सामान लिए, सजाने का सामान लिए, सब जाहिर सी बात है कि यहाँ मर्द हो, पुरुष हो, महिलाएं हो, हर कोई खरीदारी करते नजर आ रहा है। आकर्षक चीज़ों से सजाया गया है पूरी तरह से दुकान को। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि एक से एक यहाँ पर पूजा पाठ की सामग्रियाँ रखी हुई हैं। लोग बाग जो है इस छोटी दिवाली के दिन भी खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर से नजर आपके सामने है कि साफ तौर से आप देख सकते हैं कि आज के दिन भी दुकानों में भीड़ उमड़ पड़ी है। माँ लक्ष्मी की पूजा होती है इस दिन और गणेश भगवान की पूजा होती है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं आकर्षक पूजा पाठ के आइटम है। जो दुकानदार हैं हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का बाजार है आज? यार, पहले GST के कारण तो कुछ बहुत में कमी आई है बाजार में, पहले जैसा रौनक नजर नहीं आ रहा है। किस तरह की कमियाँ आपको दिखती है कि किस तरह की कमियाँ हैं? जैसे दाम बढ़ने से, GST लगने से, दाम बढ़ने से खरीदारी कुछ लोग मन इच्छा है लेकिन दाम सुन के थोड़ा सा उनको लगता है कि नहीं थोड़ा कम रहता तो ज़्यादा था। हम लोग मजबूर है, GST लगने के कारण दाम बढ़ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो दुकानदार है वो उन्होंने साफ तौर से कहा। कुछ लोग भी हैं जो यहाँ खरीदारी करने पहुँचे। सर, आप यहाँ कुछ खरीदने पहुँचे पूजा पाठ का सामान, दुकानदार ने साफ तौर से कहा कि GST का असर है, आप किस तरह से देखते हैं? GST है उससे क्या, लेकिन पूजा तो करना हिंदू धर्म में जैसे मानना ही है, खरीदना चाहे 10 के बाद 50 में मिले चाहे 100 में मिले पूजा करना ही है। जाहिर सी बात है कि लोग बात भी कहते नजर आ रहे हैं कि GST की मार हो या किसी की मार हो, जब दिवाली जैसा पर्व है तो पूजा करना ही। कैमरा पर्सन अकबर अली के साथ नीरज त्रिपाठी, न्यूज इंडिया, पटना। राजधानी रांची में दीपावली की पूरी धूम देखी जा रही है और इस वक्त हम है रांची स्थित न्यू SB कॉलोनी में, जहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कॉलोनी है यहाँ पर जो तमाम जो घरें हैं उनको आकर्षक लाइटों से सजाया गया है। और इस पर कई जो लोग दीपावली मना रहे हैं उन्होंने घरों का अपना आकर्षक लाइटों से सजावट भी की है। कहीं पर आपको रंग बिरंगी LED जलती हुई नज़र आएगी, तो कहीं कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने घरों को एक थीम के तहत सजाया है। यानी कि आप देख सकते हैं इस घर में जैसे ब्लू कलर की लाइट का इस्तेमाल करके आज पूरे घर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। पूरी राजधानी अगर रांची की बात करें तो सब लोग यहाँ पर दीपावली मना रहे हैं और अपने तरीके से सभी जो लोग हैं अपने घरों को आकर्षक तरीके से लाइट के माध्यम से यहाँ पर सजाए हैं और एक सादगी के साथ दीपावली मना रहे हैं। इस बार की दीपावली में खास बात यह है कि आपको पटाखों की बहुत ज़्यादा धूमधाम या धूमधड़ाम कहें तो देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि अब लोग भी अवेयर हो चुके हैं जिस तरह से पटाखे छोड़ने से जो पॉल्यूशन होता है, वातावरण दूषित होता है, तो कहीं ना कहीं लोग भी अब जागरूक हुए हैं और एक सादगी के साथ दीपावली मना रहे हैं। हमारे साथ कुछ कॉलोनी के ही युवा है, इनसे भी जानते हैं कि इस बार की दीपावली ये लोग कैसे मना रहे हैं। आप लोग बहुत सादगी से इस बार दीपावली मनाए हैं, आप लोग क्या तैयारी अभी किए हैं घर में? अभी घर के आप लोग बाहर हो, क्या क्या है लाइट लगाया है घर में और किस तरह से भी सेलिब्रेट करोगे?
अभी दिया हुआ है जलाना, आज से तैयारी शुरू कर देंगे हम। और इस बार क्रैकर्स तो इतना नहीं खरीदा है, पापा ने दिखाया कि इस बार क्रैकर ले दिवाली, ताकि रांची में पॉल्यूशन उतना ना बढ़े और उससे नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत होता है। तो इस बार वैसा कुछ खास तैयारी नहीं है दिवाली की। जो बीमार है या हार्ट पेशेंट है या आसपास अगर आपके अस्पताल है कहीं पर, तो वहाँ पर भी ज़्यादा पटाखे ना छोड़े ताकि उनको परेशानी होगी। तो न्यू ईयर खोलने के लोगों ने अच्छा संदेश दिया है और एक सादगी के साथ इस बार दीपावली मना रहे हैं। अपने सहयोगी मंटू सिंह के साथ सुजीत कुमार, न्यूज इंडिया, रांची। राजधानी रांची में दीपावली की रौनक देखते बन रही है। दीपावली को लेकर के पूरी राजधानी सज धज कर तैयार है। लाइटिंग जो खास करके राजधानी रांची के कई इलाके हैं जहां पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, लाइटिंग की गई है। अभी कडरू इलाके की लाइटिंग दिख रही है जो पूरी तरह सजाई गई है इस इलाके को, और दीपावली का माहौल भी देखने लायक है। कहीं ना कहीं लोग दीप जलाते हैं और खास करके वर्तमान समय में लाइटिंग का खासा महत्व हो गया है, लोग लाइटिंग ज़्यादा करते हैं। पेड़ों में भी लाइटिंग की गई है, पेड़ में भी लाइट जल रहे हैं, दोनों सड़क की दोनों ओर सब तरफ जो लाइटिंग की व्यवस्था की गई वो खासा लोगों को आकर्षित कर रही है। दीपावली का माहौल है, इसको लेकर के लोगों में उत्साह भी खासा होता है। राजधानी के कडरू इलाके में पेड़ों पर भी लाइट लगाई गई है, लोग अपने घरों को भी अच्छी तरह से सजाया है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। और लोग दीपावली के दिन खास करके जो रोशनी है, रोशनी को ज़्यादा महत्व देते हैं, और रोशनी के लिए जो लाइटिंग की गई है वो पूरी तरह से की गई है। सड़कों के दोनों किनारे और पूरा इलाका जगमगा उठा है लाइटिंग से। कहीं ना कहीं दीपावली को लेकर के जो लोगों में उत्साह होता है खास करके रोशनी करने को लेकर के, वो काफ़ी अच्छी दिख रही है कडरू इलाके में। और लोग दीपावली भी मना रहे हैं अच्छे तरीके से, और ख़ास करके आज के समय में जो स्थितियां हैं उसको भी ध्यान में रखा गया है। वर्तमान समय में ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो इस पर भी ध्यान दिया गया है, ज़्यादा आवाज़ ना हो इस पर भी ध्यान दिया गया है। कहीं ना कहीं लोग सही तरीके से दीपावली मना रहे हैं। अपने सहयोगी मंटू के साथ कमल, न्यूज इंडिया, रांची। दीपावली के रंग में पूरा लौह नगरी रंग गया है, और जो हर कोई अपने आशियाना को सजाने के लिए विद्युत का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खास करके जो लाइटिंग है, लाइटिंग जो है आकर्षक का केंद्र है, और लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं और अपने घरों में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। ये जो दीपावली है, दीपावली में जो काफ़ी सजावट की गई है, हर कोई अपने आशियाना को सजाने में और माँ लक्ष्मी के प्रवेश के लिए घर को सजाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सजावट की गई है, सजावट जो है काफ़ी लाइटिंग से की गई है। कहीं पे ग्रीन देखने को मिल रहा है, तो कहीं ब्लू, तो कहीं लाइट, और हर जगहों पे जो है दीपावली की रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है मिनी बल्ब का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है, काफ़ी लंबी लंबी लड़ियाँ लगाई गई है। दीपावली जो होता है जीवन में एक नया रंग लेके आता है, नया उत्साह लेके आता है, वो यहाँ जमशेदपुर में देखने को मिल रहा है। क्योंकि हर घर में कुछ नया नया रूप देखने को मिल रहा है, हर कोई पटाखा और लाइटिंग से अपने घर को अलग अलग तरह से सजाया है। और हर जहाँ तक रंगोली और जो जिसकी बात करें, लड़ियों की बात करें, लेकिन यहाँ पे जो है विद्युत का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। लाइटिंग जो है ज़बरदस्त जमशेदपुर में देखने को मिल रही है। जगह जगहों पे एक देखा जाए तो बिष्टुपुर में, साक्षी में, और कदमार जो है, और सुनारी, सभी इलाकों को दीपावली को लेकर काफ़ी सजाया गया है, जो एक रौनक लेकर के आया है। और दीपावली जो है हर किसी के ज़िंदगी में एक नई खुशी लेके आता है, और घर जो है सभी के जो है आशियाना अपना सजाए हैं, वो तरह तरह का जो आकर्षक का केंद्र देखने को मिल रहा है। जमशेदपुर से लाला जबी, न्यूज़ इंडिया। दीपावली को लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाबा नगरी देवघर भी कह सकते हैं पूरी तरह से दुल्हन से सज गया है। यहाँ पर एक अच्छी पहल, ये अनोखी पहल की गई है, अधिकारी से लेकर आम लोग यहाँ पर एक दिए जो है शहीद के नाम से पहले जला रहे हैं, उसके बाद ही अपने घरों में जाएंगे और घर में दिए जलाएंगे। हम सीधे बात देवघर उपायुक्त से करते हैं, ये भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, एक दिया जो है शहीदों के नाम पर यहाँ पर इन्होंने जलाया है। सर, एक बड़ी अच्छी ये परंपरा ही कह सकते हैं कि शुरुआत हुई है कि पहले शहीदों को याद कर रहे हैं, उसके बाद घर में जाके दीपावली मनाएंगे, क्या कहेंगे सर दीपावली को? बिल्कुल, दिवाली की पूर्व संध्या को दिवाली के रंगों से देवघर शहर भी अछूता नहीं रहेगा, और यह परंपरा
जो यहाँ पर शहीदों के सम्मान के लिए निर्धारित की गई है, यह बहुत ही ज़्यादा सराहनीय प्रयास है। हम सभी को समझना चाहिए कि अगर आज हम सब यहाँ पर सुरक्षित रूप से रह रहे हैं तो ये उन लोगों की देन है, उन महापुरुषों की देन है जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, शहीद हुए ताकि हम एक अच्छा जीवन निभा सकें एवं अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा भविष्य दे सकें। किसी तरह का कोई प्रदूषण ना हो, चाइनीज चीज़ें जो है वो घरों तक ना पहुँचे। भैया ये बताइए, दीपावली फेस्टिवल को लेकर के क्या कहेंगे और कैसा है इस बार का दीपावली, कितना इंतजार था? इस बार का दीपावली के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस दीपावली में सभी परिवारों को, खास करके गरीब परिवारों को जो है खुशहाली आए, हमारे कुमार भाइयों को खुशहाली आए। हम लोग जो है यहाँ पर जो है कि मिट्टी का दिया खरीद करके उसका यूज कर रहे हैं ताकि उनको, उनका भी बच्चे का पेट भरे और इस जो है झारखंड में भगवान करे सुबुद्धि दे और बढ़िया से यहाँ पर राजतंत्र चले, सभी गरीबों का कल्याण हो। लोग जो है घरों में, अभी पहले जिस तरह से यहाँ शहीद को एक ना एक दिया जो शहीद के नाम से यहाँ पर जलाए हैं, जितने भी शहर के जितने भी इस तरह के कह सकते हैं प्रतिमा स्थल है सभी जगह पहुँच रहे हैं, एक दिया वहाँ जला रहे हैं उसके बाद ही घर में जाएंगे। और इस बार खासा कह सकते हैं देवघर में यह नज़ारा देखने को मिल रहा है कि सभी ने चाइनीज वस्तुओं का खुलकर यहाँ बहिष्कार किया है, पूरी तरह से देसी कह सकते हैं देसी और शुद्ध दीपावली यहाँ पर मनाई जा रही है। क्या पसंदीपा के साथ मैं रजनीश कुमार, न्यूज़ इंडिया, देवघर। पूरे देशभर में दिवाली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और मनाए भी क्यों ना, क्योंकि दिवाली साल में एक ही बार तो आती है। जयपुर में दिवाली का महत्व अपने आप में अहम रखता है क्योंकि यहाँ के लोग जो है बड़े ही जश्न से और धूमधाम से मनाते हैं। बाजारों का नज़ारा आपको दिखा सकता हूँ, बाजार यहाँ पर खचाखच भरे हुए। इस वक्त की हम बात करें तो हम यहाँ पर खड़े हैं बरकर नगर आदर्श नगर बाजार में। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइटनिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से, यहाँ पर अभी रात है लेकिन अभी जो रोशनी है वो माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई चांद यहाँ पर आ गया हो। यहाँ पर इस तरह का माहौल है, यहाँ पर बाजार है उसमें काफ़ी लोग आए हुए हैं, सुबह से ही जो लोग हैं वो आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर खरीदारी का जश्न चल रहा है, लगातार खरीदारी यहाँ पे हो रही है। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी यहाँ पर खरीदारी के जश्न में मग्न है क्योंकि साल भर में दिवाली एक ही बार आती है और कोई भी इस दिवाली को जो है ऐसे जाने नहीं देगा। इस पूरे दिवाली को जो है बड़े ही धूमधाम से मनाएगा। अगर मैं आपको बताऊँ तो कुछ लोग भी हैं जो हमसे कुछ कहना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से अपनी फीलिंग जो है वो बताना चाहते हैं कि किस तरह से वो आज उनकी तैयारी है और क्या कुछ रहने वाला है। महिलाएँ यहाँ पर जो है वो मेहंदी लगा रही है, कुछ महिलाएं भी हमसे हैं जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। मैडम कैसा आप दिवाली मनाने वाले हैं, क्या कुछ रहने वाला है? फुल मस्ती फुल फन होने वाला है। आज रूप चौदस है, सारी लेडीज मेहंदी लगा रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, कल के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। और आज तो बस इतना ही है और कल जो त्यौहार पूरा देश मनाने वाला है, देश ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में मनाने वाला है ये त्यौहार, तो उसमें फुल एक्साइटेड है, सब लोग एक्साइटेड हैं। और शॉपिंग चल रही है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं की है वो लोग शॉपिंग में लगे हुए हैं। लोग खुश हैं, दिवाली का यहाँ पर माहौल है, दिवाली बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। बाजार यहाँ पर खुल चुके हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर लोगों की भीड़ है, खरीदारी हो रही है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जयपुर की दिवाली अपने आप में अनोखी दिवाली होने वाली है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। दीपावली का त्यौहार भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार में सबसे बड़ी अहम बात मिठाई और पटाखे सबसे अहम होते हैं। आइए देखते हैं तस्वीरों में कुछ बच्चे पटाखे जला रहे हैं, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, पटाखों के साथ फुलझड़ियाँ जला रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, शानदार तरीके से जला फुलझड़ियाँ जला रहे हैं। और ये पटाखे जलाना, हालांकि पटाखे बड़े पटाखों पर प्रतिबंध है लेकिन पटाखे जलाना बच्चों के लिए बहुत जल्दी जरूरी रहता है, बच्चों को एंजॉय होता है। आइए हमारे साथ मौजूद है जो अभी एंजॉय कर रहे हैं फुलझड़ी जला करके, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फेस्टिवल है और खुशियों का त्यौहार है और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इसमें। और सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि बच्चों को साथ लेके पटाखे चलाने चाहिए, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और खुद एंजॉय करना चाहिए। इस बार आपकी दीपावली कैसी लग रही है? अच्छी है दीपावली। आप भी साथ में बच्चों के साथ में ताकि बच्चे भी शराब ज़्यादा नहीं करें, आतिशबाजी ज़्यादा नहीं चलानी चाहिए पटाखे, और बच्चों को बुरी नज़र रखनी चाहिए और फूल छुड़ाने चाहिए पटाखे। जी इन्होंने बताया बहुत ही सुरक्षा के साथ बच्चों को सेफ्टी हो और बच्चे अच्छे तरीके से सावधानी से फुलझड़ियाँ जलाए पटाखे छोड़े। आपको सबसे बड़ा अच्छा कौन सा पटाखे लगते हैं और दीपावली सबसे बेहतरीन कौन सी फुलझड़ी लगती है बताइए?
फूल जड़ी, नॉर्मल फूल जड़ी अच्छी लगती है, और गंगा जमुना ये बहुत अच्छे पटाखे होते हैं, और इनसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, और बुलेट बम होते हैं, और लड़ियाँ होती है कई तरह की। लेकिन मिठाई खुद अपने घर में बनाते हैं और बच्चों को मिठाई बहुत ही पसंद रहती है, यानी कि दीपावली का त्यौहार भारतीय संस्कृति का बहुत ही बड़ा प्रमुख त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। कैमरा पर्सन दिनेश पारी के साथ रहमतुल्ला खान, न्यूज इंडिया, जयपुर। दिवाली की धूमधाम पूरे देश भर में मची हुई है और आज दिवाली का पर्व है। ऐसे में बाजार तो पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजे हुए हैं, वहीं बाजार में लोग भी अभी भी आवाजाही शुरू हो गई है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज दिवाली है, क्यों आज आप ये मार्केट है जो MI रोड का जो सबसे प्रसिद्ध मार्केट है, ब्रांडेड शोरूम के लिए जाना जाता है, आप यहाँ पे किस लिए आए? मैडम हम यहाँ पे शोरूम पे आए हैं, यहाँ पे लैपटॉप खरीदना है और दीपावली का टाइम है, यहाँ MI रोड पे बढ़िया चीज मिलती है और ये हेरिटेज लुक है, इससे रोशनी देख के मैं करीब 50 किलोमीटर दूर से हम इसको देखने के लिए आए। अच्छा, आज दिवाली है, क्या किस तरह से मार्केट देखने आए हैं, क्योंकि दिवाली पे मार्केट पूरी तरह से दुल्हन की तरह सज जाता है। यहाँ पे यहाँ का डेकोरेशन बढ़िया है, तो उस चीज के लिए आते हैं हम 50 किलोमीटर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे मेवे की दुकान है, पिछले साल की तुलना में यहाँ पे इस बार बहुत ही कम ग्राहक दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई का दौर है, तो ऐसे में आम जनता भी परेशान है कि खरीदे तो खरीदे क्या, लेकिन फिर भी दिवाली का पर्व है तो ऐसे में कहीं ना कहीं सजाई गई हैं दुकानें, सजाई गई हैं, मार्केट सजाया गया है, और चाइनीज उत्पादों के बहिष्कार के बाद इस बार देशी लाइटों के साथ साथ LED लाइट्स भी मार्केट में नज़र आ रही हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं जो बाजार है वो MI रोड का जो बाजार है वो पूरी तरह सजा हुआ है, ये पूरी जो रोड है वो लाइटों से सजाई हुई है, रंग बिरंगी लाइटें हैं, कहीं ना कहीं इनमें गुलाबी रंग भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जयपुर का गुलाबी रंग है तो गुलाबी का जो अक्ष है रंग का वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो एक बार आपको जूम करके दिखाएं कि जो पीछे जो दुकानों के जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं डेकोरेटिव जो लाइट्स हैं वो स्पेशल आकर्षक रूप से जो लगाई गई हैं वो विशेष तौर पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लगाई गई हैं, ताकि यहाँ पर लोग आकर खरीदारी कर सके, और दिवाली का मौका है तो ऐसे में कहीं ना कहीं मार्केट में जो लोग आते हैं वो स्पेशली खरीदारी करने के लिए आते हैं और दिवाली की जो रोशनी है वो देखने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि दिवाली पे खास तौर पे जयपुर को जो है दुल्हन की तरह सजाया जाता है, और दुल्हन की तरह इस सजावट को देखने के लिए जयपुरवासी ही नहीं दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ की सजावट को देखते हैं। कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ करिश्मा वर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। दीपोत्सव का त्यौहार दिवाली से पूरा शहर जगमगा गया है। वहीं अभी हम मानसरोवर के बड़े बाजार में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से इस बड़े बाजार को यहां पर सजाया गया है। इस बार LED लाइट से इस बाजार को सजाया गया है। वहीं इस बार इस बाजार में अलग अलग भगवान की मूर्तियां यहां पर सजाई गई है। मैं अपने सहयोगी से बोलना चाहूंगी कि वो एक बार दिखाए कि है ना अलग अलग भगवान की यहां पर मूर्तियां सजाई गई है। बजरंग बली की मूर्ति सजाई गई है, राधा कृष्ण की मूर्ति यहां पर सजाई गई है, और अलग अलग यहां पर भगवान की रासलीला यहां पर दिखाई गई है। तो इस बार इस बड़े बाजार का यही आकर्षण का केंद्र है, और यहाँ पर फिलहाल दिवाली है, और दिवाली के इस उत्सव में लोग घरों से बाहर निकल गए हैं घूमने के लिए। वहीं आप पूरे बाजार में देख सकते हैं किस तरह की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है, चारों तरफ लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर घूमने निकल चुके हैं लोग, और सभी को दिवाली की बधाइयाँ शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप जिस तरह से देख सकते हैं पूरे बाजार को दुल्हन की तरह सजाया गया है, और इस बार जिस तरह से चाइनीज लाइट का बहिष्कार हुआ उसी के बाद लोग जागरूक हुए, और इस बार LED लाइट से इस बाजार को सजाया गया है और काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार आप देख सकते हैं फरियों से इसको यहाँ पर सजाया गया है, LED लाइट्स, ट्यूबलाइट से यहाँ पर सजाया गया है। इस बार झालर ना लेकर LED बल्ब्स यहाँ पर लिए गए हैं, और तरह तरह के सामान यहाँ पर पूरे बाजार में देखने को मिल रहे हैं। पूरा बाजार यहाँ से लोगों की रौनक से यहाँ पर देखा जा रहा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं और एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं। फिलहाल इस समय पूरे शहर में हम बात करें पूरे शहर की, तो पूरा शहर दुल्हन की तरह जगमगा गया है। दीपावली, यूं तो दीपों का ये त्यौहार हर उम्र के लोगों को बेहद पसंद आता है, और जब बात होती है हम हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार की, तो
दीपावली उनमें सबसे खास होता है। और दीपावली की बात करें और मिठाइयों और पटाखों की बात ना करें, ऐसा कभी हो सकता है भला? तो इस बीच आज हम आपको लेके आए हैं मिठाई की एक दुकान पर, जहां देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है दिवाली के दिन के लिए। कितनी सारी यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं, अपनी पसंद की मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। और इस बार मिठाई दुकान वालों ने भी बहुत सी तैयारी कर रखी है, बहुत से वैरायटीज़ में मिठाइयाँ बनाई है। आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ खास है इस दिवाली। हेलो मैम, क्या कुछ खास मिठाई आप ले रही हैं? मैं चॉकलेट बर्फी ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों को पसंद है ये। अच्छा मैम, अभी दो टाइप्स की मिठाई आ गई है, लाइक जो है मेवे की मिठाई आ गई, ड्राई फ्रूट्स की और मावा की। तो क्या पसंद कर रही हैं, वो ट्रेडिशनल वन और ड्राई फ्रूट? ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मावा में आजकल मिलावट वगैरह का पसंद है। ये तो बात अब हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है कि जो मावा है वो मिलावट का आता है, तो हम दूर रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें टेस्ट, तो क्योंकि आप पुराने लोग हैं, आप लोगों को एक्चुअल टेस्ट पता है, तो अगर हम प्योर मावे की भी बात करें, तो आप अगर पर्सनली हो तो क्या खाना पसंद करेंगी, ये मेवे वाली, चक्की वाली या फिर मावे की मिठाई? नहीं, अगर प्योर मावा हो तो मावा की मिठाई बढ़िया लगती है, अगर इसका प्योर मावा हो तो मावा का मुकाबला नहीं। और देखिए मिठाइयाँ आप यहाँ पर देखिए, कितनी वैरायटीज़ में ये मिठाइयाँ आई हुई है, लाजवाब शेप साइज एंड इनकी पैकिंग, क्या बात है, देखिए ही मुँह में पानी आ जाता है। आप देखिए स्पेशल पैकिंग्स में ये मिठाइयाँ अवेलेबल हैं, ड्राई फ्रूट्स के स्पेशल पैकेट्स आए हुए हैं, जो चाहे हमें गिफ्ट करने हो, चाहे हमें खुद घर ले जाने हो, बड़े ही मज़ेदार, दिखने में बहुत शानदार ये मिठाइयाँ आई हुई है। हर कुछ में थोड़ा सा सोच सकता है, लेकिन मिठाइयों की बात हो तो वहाँ पर नहीं कर सकता। और ऐसे ही इस त्यौहार को लेकर लोगों में बेहद उत्साह है और बहुत कुछ तैयारी है जो लोगों ने की है, और चाहे कोई भी चीज़ हो, लेकिन त्यौहार पर किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ेगा। लोग उतनी ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ दिवाली का ये पावन अवसर मनाएंगे। कैमरा पर्सन दिनेश पारी के साथ शालिनी जोशी, न्यूज इंडिया, जयपुर। We'll be right back.